एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हाय, मेरा नाम शिवानी है और मैं अपने चैनल में ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट और फैशन से रिलेटेड कंटेंट जो है पोस्ट करती रहती हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है इस मेकअप लुक के ऊपर। मैं सारा सच धज के बैठी हूँ इस टाइम। ओके, तो ये मेकअप लुक जो है ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक का है। आप पार्टी वेयर मेकअप लुक में भी इसको यूज कर सकते हो। अगर आपकी बहन की शादी है, सिस्टर की वेडिंग है, तो भी आप इस मेकअप लुक को कैरी कर सकते हो। और कहीं पे भी अगर आपको वेडिंग में जाना है, कहीं भी आपको मेकअप करना है, तो आप खुद इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये लुक और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ कभी भी फ्यूचर में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आईज मेकअप के साथ में। सबसे पहले आईज को अपना कंसील कर लूंगी। तो उसके लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ, एले गर्ल का प्रो कंसीलर, शेड है नेचुरल। हमेशा जब भी आई शेडो लगाते हो तो कम से कम दो शेड लाइटर जो कंसीलर है वो यूज करो, थोड़ा मैट होना चाहिए वो कंसीलर। मैं आईज मेकअप इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा हैवी आई मेकअप करूँ, क्योंकि मुझे साड़ी के साथ में मेकअप करना है और ये वेडिंग गेस्ट या पार्टी वेयर टाइप का मेकअप लुक है, तो इसलिए थोड़ा हैवी आई लुक चाहिए मुझे। और फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। सबसे लाइट शेड जो है कंसीलर का मेरे पास यही है। बाकी मेरे पास जो शेड लाइट है वो इतने ज़्यादा लाइट नहीं है, वो मेरी स्किन से हाफ टोन या एक टोन लाइटर है। और आई मेकअप के लिए हमेशा मुझे दो शेड लाइटर चाहिए अपनी आईज के। तो मैं इसको सेट कर लूँगी के ब्यूटी के ट्रांसल्यूसेंट पाउडर के साथ में। ओके, तो मैं अब हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लूंगी और मैं इसमें से ये वाला कलर जो है ये यूज करूंगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा प्लम टाइप का मरून आईज का मेकअप लुक चाहिए और इसीलिए मैं थोड़ा लाइटर पिंक शेड से शुरू कर रही हूँ। बहुत ही लाइट है, एक्सेस को मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। सेम दूसरी आई में भी ऐसे करूंगी। देख सकते हो तो लाइट सा जो कलर है वो आया है। उसके बाद मैं ये कलर लूंगी जो इसके साइड में है, बहुत लाइट सा। मैं एक्सेस जो हमेशा निकाल रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, डस्ट ऑफ कर रही हूँ। सेम जहाँ पे मैंने पुराना अप्लाई किया आई शेडो उसके ऊपर ही, थोड़ा सा नीचे उसके जहाँ जहाँ वो है वहीं पे अप्लाई कर रही हूँ इसको भी। हमेशा अपना मिरर दूर रख के देखो कि दोनों आईज जो है इक्वली लग रही है कि नहीं लग रही है, और नहीं भी लग रही होंगी तो आप बाद में इसको फिक्स कर सकते हो। तो अब मैं ये ब्लैक कलर जो है इसको लूंगी और मैं इसको आई लिड के ऊपर रख रही हूँ, बहुत लाइटली, बहुत केयरफुली, ताकि मैसी ना हो जाए। इसकी थोड़ी पिगमेंटेशन कम है ये जो ब्लैक कलर का आई शेडो, इसलिए मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ में इसको स्प्रे कर रही हूँ ब्रश को। उसके बाद मैं इस कलर को पिक करूंगी।
पीछे से नहीं शुरू करना है आपको, आपके आई लास्ट आई लैश से हमेशा शुरू करना है। ओके तो नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ निका के का बर्थडे केक। तो इसमें ये जो है थोड़ा प्लम जैसा कलर है, कैमरे में इतना अच्छा पिक नहीं हो रहा है ये प्रोडक्ट कलर जो है, ये वाला कलर यूज़ करूँगी। अपने मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ ब्रश को स्प्रे करूँगी पहले, उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को पिक करके अपने आईलैश आईलिड के ऊपर रखूँगी जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो मैंने ज़्यादा ही वेट कर दिया अपने ब्रश को। अब मैं क्लीन ब्रश लूंगी और उसके साथ में इसको ब्लेंड करूंगी। हार्श लाइन ना रह जाए, अच्छे से जो कलर है वो ब्लेंड हो जाए ट्रांजिशन शेड के साथ में। सेम दूसरी लाइन करूंगी। बाद मैं ग्लिटर के लिए यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का आई शेडो पैलेट, ये ग्लिटर्स वाला है, तो मैं ये वाला कलर जो है वो यूज़ करूँगी अपने आईलिड के ऊपर। मैं सेम टेक्निक थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे से इसको स्प्रे करूँगी ब्रश को, उसके बाद मैं इस कलर को पिक करूँगी। बहुत केयरफुली जो है वो यूज़ करना पड़ता है क्योंकि एक बार अगर गलती से फैल गया ना फेस पे तो चिपक ही जाता है, इसीलिए मैंने जो है आई मेकअप जो है पहले किया आज। ओके तो मैं क्लीन करूँगी अपनी जो भी मैस किया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो मैं ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ इस तरीके का कंसीलर ब्रश, तो मैं कंसीलर जो है उसको लगा रही, सेम कंसीलर जो मैंने आई शेडो के लिए पहले अप्लाई किया था अपनी आई पे, अपनी आईब्रोज के नीचे। क्लीन कर लूँगी, इससे क्या होगा कंसीलर जो है वो आई शेडो के साथ में मिक्स भी हो जाएगा थोड़ा सा और अच्छे से मेरे क्लीनिंग कर देगा ताकि, और हार्श लाइन भी नहीं रखेगा। टिश्यू से पहले मैं वेट वाइप से पहले अपना फेस थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा जहाँ जहाँ थोड़ा कलर आई शेडो फैल गया है। मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ, मैं मेबलिन का मीडियम शेड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरी स्किन से मैचिंग करता हुआ कंसीलर है, तो थोड़ा सा डार्क होता है ये क्योंकि मुझे हाईलाइट नहीं करना है, तो मैं इसीलिए इस कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ अंडर आई में, चिन में। मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। और फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का 2-in-1 फाउंडेशन, शेड है 3। इसको मैं अपने और इसका मिक्स करूंगी लॉरियल का इल्यूमिनेटर के साथ में, लिक्विड है इल्यूमिनेटर है ये, इसको मैं तो फिर 3 ड्रॉप ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे ग्लोइंग फेस के लिए लगा। इससे क्या होगा कि आपको ग्लोइंग लुक मिलेगा। मैं पहले कलर करूंगी, thank you।
कंसीलर यूज करूंगी। कंसीलर के लिए मैं मेबलिन का ये कंसीलर यूज कर रही हूँ, शेड है सैंड, बहुत अच्छा कंसीलर है, क्रीमी कंसीलर है। और इसको मैं अपनी अंडर आई में यूज करूंगी, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना होगा कंसीलर को मैं वहाँ यूज करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना होगा। जो पहले कंसीलर यूज किया था वो मैंने अपनी डार्कनेस को हाइड करने के लिए यूज किया था। साथ मैं कॉन्ट्रोलिंग भी कर लूंगी। कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैं नायका का स्किन जीनियस, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, फेस पे यूज कर रही हूँ, शेड है 07। तो मैं अब इसको ब्लेंड कर लूंगी। उसको मैं रिमूव करके चुनी के साथ साथ में, ब्रश के साथ में। अब मैं यहां से बॉटम वाले पार्ट से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपको लगे कि आपका कंसीलर थोड़ा सा ड्राई हो गया है, जैसे मुझे भी फील हो रहा है, तो आप मेकअप सेटिंग स्प्रे से यूज करके उसको फिर से ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं यूज कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन में जो है कंसीलर जो है मतलब फेस को हाइड्रेट कर दे और मेरा जो कंसीलर है वो ब्लेंड हो जाए। अब मैं अपने फेस को सेट कर लूंगी। मैं केबीपी का ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ में अपने फेस को सेट करूंगी। उसके बाद मैं आईब्रोज के लिए यूज करूंगी मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल, शेड है कॉफी ब्राउन। ओके, ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ फ्लावर ब्यूटी का ब्लश बॉम। तो मैं इसको अपने हाथ में लूंगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए आपको और बहुत ज़्यादा कवरेज दे देता है ये आपको, तो बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना है ये ब्लश। तो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर में ही इसको ब्लेंड करके मैं थोड़ा अपने चीक्स पे लगाऊंगी। तो मैंने अपने हाथ में लिया है और उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर में लगा के अपने चीक्स पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा सा लिया था और फिर भी कितनी अच्छी कवरेज दे दी है इसने ब्लश ने। हाइलाइटर मैं मेबलिन का यूज कर रही हूँ। अब मुझे अपने जहां जहां हाईलाइट करना होगा मैं वहां वहां इसको यूज करूंगी, अपने चीक बोन में, अपने टेम्पल्स में। ये ब्रॉन्जर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। तो जहां जहां मैंने कॉन्ट्रोलिंग की होगी मैं वहीं पे ब्रॉन्जर जो है वो यूज करूंगी।
और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ पिक्सी का लिपस्टिक, शेड है नेचुरल। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का सेंसेशनल मस्कारा। ब्यूटी का काजल यूज कर रही हूँ, तो मैं अपनी वाटर लाइन में लगा रही हूँ काजल को। बाद में सेम कलर का जो मैंने यूज किया था अपनी आईलिड पे, वो मैं थोड़ा लोअर लैश लाइन पे यूज करूंगी। This is the final look, guys. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video, guys. Bye. See you soon.